हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर चलिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा आपका विंडोज़ का सर्च बार पे अंदर। यहाँ पर आके आपको टाइप करना पड़ेगा सेटिंग्स, सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन अपडेट एंड सिक्योरिटी, अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आप कोई भी अदर डिवाइस यूज़ कर रहे हो, मतलब विंडोज़ का कोई वर्जन, तो जैसे कि आपका विंडोज़ 11 है तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा सर्च बॉक्स पे सर्च अपडेट, और यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन होगा चेक फॉर अपडेट्स, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे जैसे कि देख सकते हो मेरा यहाँ पर अपडेट का जो है उसको बंद करके रखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ किस तरीके से दिखाई देगा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कुछ ऐसे, जैसे कि देख सकते हो मेरे यहाँ पर अपडेट है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो ये अपडेट जब चलेगा ना बैकग्राउंड के अंदर अपडेट चलते रहेगा, तो इसमें बहुत सारे परेशानी का बात है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा वो लेने वाला है। तो इस अपडेट को ऑटोमेटिक अपडेट को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले तो जाना पड़ेगा इस एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर, जैसे कि देख सकते हो। इधर आने के बाद यहाँ पर देखिए पॉज अपडेट्स के अंदर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट डेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे लास्ट जो डेट मिलेगा उस डेट को आपको चूज करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद बैक जाएंगे तो मेरा जो अपडेट है वो बंद हो चुका है। अगर इसको और भी परमानेंट करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विसेस के अंदर, सर्च बार के आके आपको टाइप करना है सर्विसेस, और विंडोज का जो सर्विसेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सर्च बार के आके सर्विसेस सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा विंडोज अपडेट, तो हम लोग विंडोज टाइप करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं इधर आके मेरा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है विंडोज अपडेट, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये आप फिलहाल के लिए यहाँ पर चल रहा है, तो इसको स्टॉप करते हैं सबसे पहले, तो क्लिक करेंगे स्टॉप के ऊपर और मेरा जो अपडेट है स्टॉप हो चुका है। अभी इस अपडेट विंडोज अपडेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्टअप टाइप के अंदर आपको मैनुअल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर करेंगे अप्लाई और फिर ओके, और अभी आप देखेंगे कि आपका जो अपडेट है ना, मैं अगर अपडेट करने की कोशिश करूँ तो मेरा अपडेट नहीं होने वाला है। सबसे पहला सेटिंग ये है क्योंकि अपडेट जब करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट आपका एक्सेस करेगा, और उसके बाद क्या होता है आपका जो इंटरनेट जो वाइटल काम के लिए आप जो इंटरनेट यूज करने चाहते हो तो आपका पीसी स्लो होता है, उसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी स्लो होता है। सेकेंड जो स्टेप है उसके लिए आपको टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जाने पड़ेगा टास्क मैनेजर। अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सर्च बार के आके यहाँ पर आप सिंपली सर्च करें टास्क मैनेजर और उसके बाद इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर के ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री और स्टार्टअप, तो हम लोग को जाना पड़ेगा स्टार्टअप के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस के अंदर आपको इनेबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेटस के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो जितने सारे इनेबल स्टेटस है वो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद डिसेबल दिखाई देगा। तो जो भी आपका अननेसेसरी स्टेटस है, जैसे कि मेरा एडोब का जो सर्विस है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करेंगे और डिसेबल कर देंगे। सेम इन सारे प्रोसेस के ऊपर सेम करेंगे, हम लोग इसको डिसेबल करेंगे, इसे भी डिसेबल करेंगे, क्योंकि इस हमेशा आपका जो डेटा है ना वो सर्वर पे लोड करते रहते हैं, तो इसके लिए आपको इंटरनेट यहाँ पर हमेशा बंद करना पड़ता है। और यहाँ पर क्रोम के अंदर भी हम लोग इसी सेम टेक्निक को यूज करेंगे। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को भी हम लोग यहाँ पर डिसेबल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज इसे भी हम लोग डिसेबल करेंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपका वन ड्राइव इंपोर्टेंट नहीं है तो आप इसको यूज ना करें, मतलब ऑनलाइन के आप एक्टिव ना करें, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो स्टार्टअप जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आपका स्टोरेज और प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ने वाले हैं, तो इसको आप डेफिनेटली डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। डिलेट लॉन्चर को मैं इंटेल का सर्विस है तो इसको मैं रखना चाहूंगा, और इन सारे जो प्रोग्राम्स है इन सारे प्रोग्राम्स को मैं डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो और कुछ प्रोग्राम्स है अपडेट और इन सारी चीजों को मैं रखना चाहूंगा, और उसके बाद देख सकते हो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पर डिसेबल कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है ना काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है, उसके साथ साथ पीसी क्वी बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरा कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और चैनल में नया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा।